नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूं तो आप सभी लोगों ने भूत प्रेत से जुड़े किस्सों को पढ़ा या सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आत्माओं, पारलौकिक शक्तियों और शैतानी आत्माओं को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच बदल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्थान का परिचय करवाएंगे जहाँ पर शाम ढलते ही शैतानी आत्माओं का कब्जा हो जाता है। कभी यह स्थान बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी आत्माओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। माना जाता है कि ये आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो शख्स यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता है, तुरंत ही उनका शिकार हो जाता है। आखिर क्या है इस भूतिया स्थान का रहस्य, आइए विस्तार में जानते हैं। भोपाल के शिवपुरी में छोटा सा कस्बा है पोखरी, जहाँ पर 2100 साल पुराना किला स्थित है। ये किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर रात तो क्या, दिन में भी कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात के समय घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं जो दूर दूर तक सुनाई पड़ती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दिन ढलते ही यहाँ पर एक महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं, और जिन लोगों ने उस महफिल को देखा वे तुरंत ही मौत के शिकार हो गए। दोस्तों, पहले तो इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मीडिया वालों ने इस स्थान में हो रही पारलौकिक घटनाओं को प्रचारित किया, तभी से लोगों को लगने लगा कि इस स्थान पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तो और, भूत प्रेतों और आत्माओं पर विश्वास ना करने वाले लोग भी इस किले को शरापित मानने लगे। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले को भूतिया होने का दावा किया गया है, तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले तो दिन के समय इस किले में स्कूल भी लगा करता था, लेकिन जब से बच्चों ने वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतों को महसूस किया, तब से वहाँ पर स्कूल लगना भी बंद हो गया। माना जाता है कि 2100 साल पुराना किला वीर खांडे राव का हुआ करता था, और जो महफिल यहाँ पर जमती है वो वीर खांडे राव की सभा है। वो रात के समय अपने लोगों के साथ यहाँ पर महफिल जमाते हैं। रात को आत्माएं इस किले को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेती हैं, और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर कोई शख्स गलती से रात को रुक गया हो तो उसका हशर अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि वीर खांडेराव की मृत्यु के बाद वहाँ पर कोई भी परिवार टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि एक परिवार ने यहाँ पर रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगीं, जिन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कहा तो ये भी जाता है कि इस किले के भीतर एक खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ पर भटकने वाली आत्माएँ करती हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने का कोई भी साहस नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी फीडबैक्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को सुधारने में हमारी मदद भी करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल मिस्टीरियस नाइट्स पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।